मुरली को और नरेंद्र को दोनों को गिरफ्तार कर लिए, आगे की सूच कर जाएंगे। ये राजस्थान पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देशन अनुसार चला जा रहा है, जिसमें ये एक पूरा अभियान रहेगा जिसमें जितने भी सक्रिय अपराधी हैं, जो गैंगस्टर्स हैं और हमारे वांछित अपराधी हैं या पुराने एचएस हैं, उन सभी के घरों में दबिश दी जाएंगी। और जो भी जिनके भले मुकदमे नहीं हो लेकिन जो सक्रिय हैं, जिनसे लोग डरते हैं, उन सभी घरों में ये हाउस सर्च करेंगे और उनको धरपकड़ की जाएगी। इसमें आज सुबह से ही हमने पूरे ज़िले में ही सभी थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें राजनगर और कांकरौली में हमने लगभग 8-10 जगह दबिश दिए और उन लोगों को लेके आए हैं। अब इनके पूछताछ नोट बनाए जाएंगे, उसके आधार पर जो भी इनकी आगे की कार्रवाई होगी, उनके घर पर जो मिला है उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये अनवरत जारी रहेगा। वही है आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय। जो अपराधियों में भय जो कम हो गया है, उसको पुलिस वापस अपना इस्तकबाल बुलंद करना चाहती है। ये हम जहाँ इस गांव में आए हैं, यहाँ पर यही है, इस आदमी ने सोशल मीडिया पर हथियार का प्रदर्शन किया है, इसको हम लेकर जा रहे हैं, जिस पर मुकदमा दर्ज करेंगे।